వాటికి ఇటలీలో ఎవరైతే చిక్కుకున్నారో 66 మంది తెలుగు విద్యార్థుల్ని భారత్కు రప్పించే విషయానికి సంబంధించి లోక్సభలో హర్షవర్ధన్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. कलेक्शन सेंटर्स यानी मोर देन 100 प्लेसेस पर हमारी ये एक्टिविटी कोऑर्डिनेट हो रही है. वी वेंट अप टू द एक्सटेंट कि जब ईरान गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो वहाँ पर लोग हैं उनको टेस्ट वगैरह करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, दे कांट हेल्प अस ऑन अकाउंट ऑफ दैट इशू, हमने यहाँ से अपने वैज्ञानिक भेजे, हमने यहाँ से अपनी पूरी की पूरी लैब, विच इज नॉट ए सिंपल थिंग, बट यू कैन से द वेट ऑफ द होल लैब इज इन टन्स, वो सारा का सारा वहाँ भेजा और अपने वहाँ कोशिश किया कि कस्टम से क्लियरेंस करके हम लैब को एस्टैब्लिश वहाँ पर कर दें और बाद में उस लैब को ईरान को ही डोनेट कर दें. अभी वो कस्टम से क्लियरेंस वगैरह का प्रोसेस जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है, बट व्हेन वी सॉ दैट देयर वाज अ डिले इन दैट, वी डिवाइज्ड एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें वहाँ से हमारे वैज्ञानिक वहाँ के लोगों का सैंपल जो है कोल्ड चेन को मेंटेन करके जो उनका थ्रोट का स्वैब है उसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ से हम उसको टेस्ट करते हैं और जिनके नेगेटिव्स आ रहे हैं उन नेगेटिव्स को हम जो है वापस जो है पैसेंजर्स को यहाँ पर वापस ला रहे हैं, उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं. ये बहुत सारे लोगों ने इसमें थोड़ा सा एक आई कैन अप्रिशिएट द कंसर्न ऑफ दोज पीपल, एवरी एमपी जिसको कि कोई भी संपर्क कर रहा है, लेकिन यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि भारत में बिना साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स और फॉर्मेलिटीज को पूरा किए किसी को ऐसे हवाई जहाज में बिठा के वहाँ से नहीं लाया जा सकता. हम वुहान से चाइना से जो हब है जहाँ से सारे दुनिया में इन्फेक्शन शुरू हुआ है वहाँ से भी हम 645 भारतीयों को और 7 मालदीवियंस को सबसे पहले लेके आए पूरी दुनिया के अंदर, और इसके बाद दोबारा से हम वुहान से जो है लोगों को लेके आए 112 लोगों को, और उसके बाद हम जापान की जो शिप थी उसके ऊपर स्टैंडर्ड लोग थे उनको जापान से लेके आए. फिर ईरान के अंदर ये प्रॉब्लम इमर्ज हुई तो ईरान में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाकर ईरान से हमने लाना शुरू किया, जिसके बारे में अभी मेरे कुलीग ने इतने विस्तार से, और अभी जब ईरान के अंदर जो है ये सॉरी इसमें इटली के अंदर जब प्रॉब्लम आ रही है कि स्टूडेंट्स एंड ऑल दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स हेल्पलेस, और इटली में भी इतने ज़्यादा जोर शोर से ये जो इन्फेक्शन है स्प्रेड हो रहा है, तो इटली में भी हम उसी प्रोसेस से हम उनके सैंपल्स को यहाँ ला रहे हैं, उनकी टेस्टिंग करने वाले हैं, हम यहाँ से सारा हमने लैब का सामान वहाँ पर भेजा है. तो आप सबका हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं कि जो इसमें कोई सरकार इस प्रकार का रिस्क इसके इसकी सरकार इस प्रकार का लेट मी कंप्लीट, व्हेन यू वर टॉकिंग आई डिड नॉट इंटरफेयर. तो आप सब इस बारे में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी वैज्ञानिक और मेडिकल प्रोटोकॉल